नमस्ते, मैं हर्षमीत कौर, टीम मुनबग्गी इंडिया से। ये आज हम ग्रेवयार्ड पे आए हैं हंट्सविल के। यहाँ पर स्टू लेंजर, ही वॉज अ वेरी नोन पर्सन, ये अमेरिका का, ही वॉज अ प्रोनाउंस्ड रिनोन्ड प्रोफेसर है। ये कैलकुलेशंस करते थे सैटेलाइट्स के जो कि सोलर सिस्टम में जाते थे। ये वेलिंगटन के असिस्टेंट थे, इनका सपना था कि ये मार्स के ऊपर जाएं, और जिस मुनबग्गी को हमने यहाँ बनाया है वो इन्हीं के फंडामेंटल्स पे आधारित है। आजकल जो हम इतनी सारी रॉकेट साइंस देखते हैं, रॉकेट जो भी टेक्नोलॉजीज साइंटिफिक चीज़ देखते हैं, इट इज़ ऑल हिज फंडामेंटल्स, इन्हीं के बेसिस पे। ही इज़ अ रिनोन्ड पर्सन इन अमेरिका, इन्हीं के करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं आजकल। Good morning. Here you can see the graveyard of Concord. He was a leader of a rocket propulsion. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ग्रेवयार्ड्स हैं। यहाँ पर जर्मन के काफ़ी लोग थे जिन्होंने काम साथ में करा, साथ में उन्होंने रखे। अगर हम इनको मैप करें तो वी कैन मेक अ कंप्लीट रॉकेट ओवर हेयर। एंड उसके बाद अब ये सो भी साथ रहे हैं। एंड मिस्टर कॉनराड, ये लीडर थे रॉकेट प्रोपल्शन के। ये इन्होंने मिस्टर राल्फ हैकल एंड युवन हैकल की शादी अगस्त 6 पे आए थे नाउ। एंड अभी भी ये क्या कहते हैं, कुछ साल पहले इनके पास एक कैलकुलेशन भेजी गई थी, तो ही सेड ओ बॉयज देयर योर कैलकुलेशन आर रॉन्ग। एट द एज ऑफ 96 ही इज सो ब्रिलियंट एंड ही वॉज द लीडर ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। ही मेड हिज फर्स्ट रॉकेट यूजिंग द पाइप्स ऑफ द बाइसिकल्स एंड एट द एज ऑफ यू नो जस्ट वेरी स्मॉल एज। एंड यू कैन सी द ग्रेट मैन फ्लाइंग हियर। We have visited Professor Stuhlinger and I'm going to talk to Mrs. Stuhlinger. Ma'am, I would like to know, give some messages for Youth India. Youth India, people from India. Yeah. Motivate us. Yeah, my husband was very instrumental in the space program, especially he was very involved with science that can be put on rockets or science projects. So he was very involved with Explorer 1. When that was launched, there was a Geiger counter on top of the Explorer 1 that later discovered the radiation belt around the Earth. And also my husband was very involved and he studied about iron propulsion, which is a propulsion that is not with liquids, solid propellants or liquid propellants. It is involved with ions that are, I cannot say it so well. And ma'am, I got to know. And they can also propel a spacecraft. Okay. And I got to know he was passionate about reading books. Yes, what he read many books and he wrote a book. He wrote a book about Wernher von Braun. He, together with Frederick Ordway, they together wrote a biography of Wernher von Braun. Yeah.